दौसा जिले में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से मामलों का निस्तारण किया जा रहा है। दौसा में कुल 17 बेंच गठित की गई है। इनमें 6,320 मामले राजीनामा में निस्तारित करने के लिए रखे गए हैं। आज ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से राजीनामा करने के लिए पक्षकारों के लिए एक सुविधा रहे, इसलिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से रखी गई राष्ट्रीय लोक अदालत का। और राष्ट्रीय लोक अदालत कोरोना के बाद में आज पहली बार हो रही है। कोरोना के महामारी के कारण काफ़ी दिनों तक लोक अदालत का आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन अब जो आज लोक अदालत रखी गई है उसके अंदर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। काफ़ी संख्या में लोग आए हैं अपने मामलों का राजीनामा कराने के लिए। दौसा ज़िले के अंदर कुल 17 बेंचों का गठन किया गया है, जिसके अंदर करीब 6,320 केस लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा करा के लोगों को अपना केस निस्तारण कराने की कोशिश की जा रही है। और उम्मीद है कि काफ़ी संख्या में लोगों के मामलों का निस्तारण होगा आज। काफ़ी बैंक वाले भी अपने मामले लेके आए हैं, जिन्होंने बकाया पैसों के अंदर रियायत देकर और राजीनामा कराना चाहते हैं। मोटर एक्सीडेंट के मामले हैं जिनके अंदर कंपनसेशन बीमा कंपनी द्वारा दिया जाना है, उसके काफ़ी रखे गए हैं।